नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और बात करेंगे पहाड़ पर जल प्रलय की। और बड़ी जानकारी इस बीच आपको यहां पर बता दें, बड़ी जानकारी आ रही है इस बीच सीएम सुक्खू का आज रामपुर दौरा। जी हां, रामपुर दौरे पर आज मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू रहेंगे। बादल फटने से हुए नुकसान का जायजा लेंगे आज। और बड़ी जानकारी आपको बता दें, कल भी उड़ान नहीं भर पाया था चौपर मुख्यमंत्री का, लेकिन फिलहाल ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम सुक्खू का ये दौरा, बादल फटने से हुए नुकसान का जायजा आज लेंगे। और खराब मौसम बाधा बना हुआ है, लेकिन इस बीच कल भी उड़ान नहीं भर पाया था चौपर। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, सीएम सुक्खू का आज रामपुर दौरा बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। बादल फटने से नुकसान का जायजा लेंगे, खराब मौसम बाधा बना जिसकी वजह से मुख्यमंत्री का जो चौपर था वो कल नहीं उड़ान भर पाया, लेकिन आज मुख्यमंत्री जायजा लेने के लिए यहां पहुंचेंगे रामपुर में। बादल फटने से नुकसान हुआ काफी ज्यादा, कई जानमाल का नुकसान हुआ है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। कल भी उड़ान नहीं भर पाया था चौपर, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लगातार हो रही बारिश के बाद की स्थिति ये है कि काफी नुकसान जो है जानमाल का हुआ है। रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर, मंडी से आ रही है चापा। राजपथ गांव में फटा बादल, मलबे में तीन रिहायशी मकान समा गए हैं। तीन लोगों की मौत की जानकारी है, 12 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। मौके पर डीसी पहुंचे हैं, आपको बता दें मौके पर डीसी अपूर्व देवगन पहुंचे हैं। लोगों का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। फिलहाल ये ताजा हालात जो है वो बने हुए हैं, तो बड़ी खबर, मौके पर डीसी पहुंच चुके हैं, लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लोगों का सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। बड़ी जानकारी, राजबन गांव में आप देखिए तबाही का यह मंजर किस तरीके से छाया हुआ है, और मलबे के नीचे रिहायशी मकान जो है वो ढह गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तीन रिहायशी मकान ढह गए, तीन लोगों की मौत की जानकारी है रामबन गांव में। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। धर्मवीर संवाददाता मंडी से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। धर्मवीर, तबाही का मंजर ऐसा कि हर कोई जो है वो स्तब्ध रह जाए। अभी फिलहाल स्थिति राजबन गांव में कैसी बनी हुई है, कितने लोगों की मौत की जानकारी है? जी अंजलि, बात करें तो पहले जो जानकारी सामने आ रही थी उसके अनुसार जो 11 लोगों के दबे होने की सूचना मिली थी, लेकिन कल एक और डेड बॉडी मिली है, जिसके बाद जो है सूचना मिल रही है कि 12 लोग इसमें दबे हुए हैं। कल की बात करें तो दो और डेड बॉडी निकाली गई, इससे पहले जो एक डेड बॉडी पहले ही निकाली गई थी, जो ग्रामीणों के द्वारा ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था, और एक गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को भी निकाला गया था। वहीं अब दो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें जो है कर्नल मेडिकल कॉलेज जो है रेफर किया गया है प्राथमिक उपचार के बाद। सिविल अस्पताल जोगिंदर नगर में उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया, उसके बाद उन्हें टंडा मेडिकल रेफर किया गया है। वहीं अगर बता दें कि अभी तक जो है तीन डेड बॉडी जो है मिल चुकी है मलबे से, और इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि उनमें से कुछ जो जब फ्लड आया है, फ्लैश फ्लड आया, तो उनमें से कुछ लोग बहकर भी आगे निकल गए होंगे। फिलहाल अभी बता दें कि 7 लोग अभी भी लापता है, जिनका सर्च ऑपरेशन जारी है। बीते रोज सारा दिन सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा, उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन खुद मौके पर डटे रहे सारा दिन और सर्च ऑपरेशन में अपनी अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा स्थानीय प्रशासन भी वहां पे सारा दिन डटा रहा। एनडीआरएफ की बात करें, एसडीआरएफ की बात करें, या फिर अग्निशमन या होमगार्ड टीम की बात करें, तो सभी प्रशासनिक अमला जो वहां पर डटा रहा। और आज फिर जो है सुबह जो है सर्च ऑपरेशन चलाया गया है, टीमें वहां पहुंच गई है, और लोगों को जो है जो लोग मलबे में दबे हुए हैं उनका जो है सर्च ऑपरेशन जारी है। जी धर्मवीर, शासन प्रशासन कितना अलर्ट बना हुआ है, क्योंकि अभी भी मौसम जो है वो खराब यहाँ पर बना हुआ है। जो लोग वहां पर घायल अवस्था में हैं उन्हें किस तरीके से प्राथमिक का जो इलाज है वो मुहैया करवाया जा रहा है? जी बात करें तो मौसम विभाग की ओर से जो है अलर्ट जारी किया गया है, अभी भी बारिश का अलर्ट किया गया। हालांकि मंडी में जो है राहत की बात है, अच्छी खासी धूप खिली हुई है, और सर्च ऑपरेशन के लिए यह अहम बात होगी आज का दिन, क्योंकि दूसरा दिन है और अभी तक जो है 7 लापता है। वहीं अगर आपको बता दें कि जो लोग प्रभावित हुए हैं इस, उन्हें जो है प्रशासन की ओर से कहीं और शिफ्ट कर दिया गया। वहीं 7 लगते घर जिन्हें जो है खतरा बना हुआ था, लैंडस्लाइड का खतरा बना होता है, फ्लैट के कारण उन्हें भी वहां से सुरक्षित स्थानों पर
शिफ्ट किया गया है। जी धर्मवीर, क्योंकि अभी फिलहाल स्थिति जो है वो काफी ज्यादा कठिन बनी हुई है वहां के स्थानीय लोगों के लिए भी, डीसी साहब भी वहां पर पहुंचे थे, उनकी तरफ से क्या निर्देश दिए गए हैं वहां पर जो रेस्क्यू टीम है उन्हें? जी बता दें कि पहले जिस तरह से इंफॉर्मेशन मिली जिला प्रशासन को, तो रात को ही जिला प्रशासन जो और तमाम अधिकारी अपनी रेस्क्यू टीम के साथ वहां पर रवाना हुए। वहां पर पहुंचना इतना मुश्किल था कि पूरा रास्ता ही टूट गया था, और आधी रात से लेकर अगर बात करें तो सुबह 10 बजे के करीब जो है यह टीमें पहुंची हैं, कि 2.5 से 3 किलोमीटर का पैदल रन करके यह पहुंची हैं टीमें, और उसके बाद सर्च ऑपरेशन चला, सारा दिन सर्च ऑपरेशन चला रहा, जिसके बाद जो यह केवल 3 डेड बॉडी निकली है। वहीं अब सर्च ऑपरेशन भी जारी है, हालांकि जिला प्रशासन के लिए पूरी इस तरह का जो सर्च ऑपरेशन था एक नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि वहां पे किसी भी तरह की ना कोई मशीनरी वहां से जा सकती है और ना ही कोई गाड़ी वहां पे जा सकती थी, पूरी तरह से रास्ता जो है टूटा हुआ था। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मवीर इस तमाम जानकारी के लिए। उधर आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में कुदरत ने अपना कहर बरपाया है। प्रदेश में जगह जगह पर बादल फटने और लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आई हैं। वहीं कुछ लोगों की हादसे में दुखद मौत भी हो गई, तो वहीं कुछ लोग अभी भी लापता है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमों की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशंस भी जारी है, और इसी को लेकर हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जनता टीवी से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा जयराम ठाकुर ने वो आपको सुनवाते हैं। प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश के कारण जो स्थिति है वो खराब देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। सर, किस प्रकार की जो खबरें आप तक भी आ रही हैं, प्रदेश सरकार भी लगातार सर जो है काम करती हुई नजर आ रही है? अभी हम जो देख रहे हैं कि जो नुकसान हुआ है हिमाचल प्रदेश में, 50 से ज्यादा लोगों के ना मिलने की खबर, यानी कि मिसिंग है वो लोग, 2 लोगों का शव बरामद हुआ है, और इसमें पर्टिकुलरली जो प्रभावित इलाका है उसमें कुल्लू और मंडी का ज़्यादा ही है। मंडी जिला के थलतू खोड में जहाँ 11 लोग मिसिंग थे, उनमें से 2 लोगों के शव बरामद हुए हैं, बाकी लोगों की अभी तलाश जारी है। और इसके अतिरिक्त शिमला जिला के अंतर्गत जो हमारा रामपुर विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, वहाँ एक गाँव जो आनी और इसके साथ में लगता है, तो उस गाँव में लगभग 35 लोग मिसिंग है अभी तक, पूरा गांव ही वो चपेट में आ गया है। कुल्लू में अलग अलग जगह नुकसान हुआ है, और कुल मिलाकर के हम इस बात को देख रहे हैं कि अभी पिछली त्रासदी से ही जो बरसात के मौसम में हुई थी उससे ही हिमाचल बाहर नहीं आ पाया, लेकिन एक और त्रासदी का सामना करना पड़ रहा है। सर, एक कल अहम मुलाकात आपकी गृह मंत्री से होती हुई नजर आई, हाटी समुदाय के मसले को लेकर किस प्रकार की चर्चा रही? सर, काफी लंबे समय से मांग जो है उनकी निकल कर सामने आई। देखिए, कल वो एक डेलीगेशन था जो गृह मंत्री जी से मिला था, और उसमें प्रमुख रूप से हाटी कम्युनिटी को ट्राइबल का दर्जा देने की बात थी। केंद्र की ओर से ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो लोकसभा राज्यसभा में पारित होनी थी वो हो गई, और उसके अतिरिक्त जो है वो कुछ लोग हाईकोर्ट में गए। हाई कोर्ट में एक जवाब जाना है डिपार्टमेंट की ओर से, जो ट्राइबल डिपार्टमेंट है, तो उसके संदर्भ में हमने गृह मंत्री से बात की, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी वो काम हो जाएगा। तो जयराम ठाकुर जी थे जनता टीवी से, तमाम मसलों को लेकर खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन मोहित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी दिल्ली। और रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए? ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद स्वागत है।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। चंबा जिले में बीते दो दिनों से भारी बारिश हो रही है और बारिश के चलते लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है, जिस वजह से चंबा तीसा मुख्य मार्ग भी बंद हो गया है। आपको बता दें कि वहीं प्रशासन की ओर से मार्ग को जल्द बहाल करने के निर्देश जारी किए हैं, जिससे कि जल्द से जल्द मार्ग जो है वो बहाल हो सके और लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना ना करना पड़े। रात को जो बारिश हुई है उसके कारण मंडल तीसा में भी कुछ सड़कों पर जो है तो लैंडस्लाइड और मलबा आने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसमें मुख्य तौर पे से तीसा सड़क पर एक जगह पर जो है तो नाले में काफ़ी मिट्टी आई है, जिसे हटाने के लिए जो है तो पीडब्ल्यूडी की मशीनरी कार्यरत है और कुछ ही देर में वो जो है तो उसको थ्रू कर देंगे। इसके अलावा जो संबंधित लिंक रोड्स हैं उनमें भी कई जगह से मलबा आने की जो है तो रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसके लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि उसे शीघ्र अतिशीघ्र जो है तो यातायात के लिए बहाल किया जाए। लेकिन जब तक ये बहाल नहीं होता तब तक स्थानीय लोगों से भी अनुरोध रहेगा कि बारिश की संभावना को और मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है उसको ध्यान में रखते हुए आवश्यकता अनुसार ही घर से निकलें, सावधानी बरतें ताकि किसी प्रकार की जान माल के नुकसान ना हो। उधर कुल्लू के वनीकरण घाटी में शॉर्ट सब्जी मंडी का दरअसल भवन गिरने से एपीएमसी को 6.5 करोड़ के से अधिक का नुकसान हुआ है। वहीं पार्वती नदी में आई बाढ़ के चलते लोगों के घर को प्रशासन की ओर से खाली करवा दिया है। ऐसे में कई जगहों पर संपर्क मार्ग भी टूट गए हैं, जिसकी वजह से लोगों की आवाजाही भी थम गई। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से राहत कार्य को शुरू कर दिया गया है। ये घटना सुबह 6:10 की है। यूँ तो पानी रात को बहता ज़्यादा बह रहा था, इसका बहाव जो है रात को ही बढ़ना शुरू हो गया था, लेकिन सुबह 6:10 पर जो है बहुत पानी आने से यहाँ एकदम से उस बिल्डिंग में जैसे टकरा गया वो, क्योंकि पिछले साल से खोखली हो गई थी पीछे, तो एकदम से ये धड़ाम करके एक पलटे में ये कुठी हो गई और दूसरे पलटे में जो है ये इसको सारा तहस नहस करके जो है ये ख़त्म हो गई है और इसमें जो है करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। गवर्नमेंट का भी नुकसान हुआ, हाल ही में अभी अभी तो इसका निर्माण हुआ था, नवंबर महीने में हमें ये किराए पर दुकानें अभी दी थी, नवंबर से हम जो है लगातार किराया जो है इसका देने जा रहे हैं और अभी जैसे थोड़ा सा फ्लो शुरू हुआ था पल्लम मैरीपोजा और नाक वगैरह जो है भरपूरा छुपुर से बढ़ रहा था, सेब के लिए तो अभी चल समय है लेकिन नाक और जो मैरीपोजा है इसका समय बीतता जा रहा है। यदि समय रहते अब प्रशासन ने इसका बंदोबस्त नहीं किया, इसको बेचने का प्रबंध नहीं किया, क्योंकि यहाँ सड़क टूट गई है, यहाँ तो माल पहुँचना बड़ा मुश्किल हो गया है। जैसे ही मुझे यहाँ के पूर्व जो अध्यक्ष है अश्विनी जी और संजीव शर्मा जी और अमन शर्मा ने मुझे कॉल किया कि शार्ट सब्जी मंडी में इस तरह का नुकसान हुआ, तो तुरंत मैं 6 के आसपास यहाँ पहुँचा, क्योंकि मैं एपीएमसी का मेंबर हूँ कुल्लू लाहौल स्पीति का। तो पिछले कल से जो रात से जो बारिश हुई उस वजह से मलाना नदी का जो जल स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से आगे जितनी भी मिट्टी लकड़ी का जो डैम जो इसका डक लग गया उसको फाड़ते हुए जब वो निकला तो उसने नदी के आसपास के जितना भी जो प्रॉपर्टी थी उस पर नुकसान करते हुए हुए जैसे चौकी में और साथ में बलादी है वहाँ से नुकसान करते हुए शाट मंडी की जो हमारी बिल्डिंग थी उसको भी पूरा उसने नीचे से पानी ने कट करके पूरी बिल्डिंग को गिरा दिया। शाट में जो सब्जी मंडी की बिल्डिंग है वो गिर गई है, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग थी, लेकिन लकीली वहाँ कोई मैन लाइफ का कोई लॉस नहीं है। वहाँ नीचे स्कवरिंग की वजह से वो बिल्डिंग का लॉस हो गया है। जहाँ तक कि रिलीफ की बात है, आर रेवेन्यू टीम्स आर ऑन द फील्ड राइट नाउ, दे आर वर्किंग ऑन बोथ रेस्टोरेशन रेस्क्यू और रिलीफ का काम भी साथ के साथ देखा जाएगा इसमें। उधर हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में भारी बारिश से तबाही मच गई है और कई जगहों पर तो बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं। वहीं इस तबाही के दौरान पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह चंबा क्षेत्र के दौरे पर थे, लेकिन विक्रमादित्य सिंह ने अपना चंबा का शेष दौरा स्थगित कर दिया और वहीं विक्रमादित्य सिंह ने कहा पिछले 24 घंटे के दौरान हिमाचल प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हुई भारी बारिश के कारण पूरे प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी तबाही से जानमाल को भारी नुकसान हुआ है, जिस वजह से ऐसे क्षेत्रों में तुरंत राहत पर बचाव कार्य को आरंभ किया जा रहा है।
ये बहुत दुख का विषय है कि पिछले कल और आज सुबह के समय में हिमाचल प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सा नुकसान हुआ है। ज़िला कुल्लू में, शिमला में और मंडी में कुछ इलाकों में बहुत तबाही का मंजर हुआ है, जिसकी वजह से कुछ इलाकों में कई गांव तबाह हो गए हैं, कई लोगों की जान जाने की भी खबर है। अभी रेस्क्यू ऑपरेशंस पूरी मजबूती से चले हुए हैं और सभी जो हमारे SDRF की टीम्स है, NDRF की टीम्स है, PWD है, IPH है, पुलिस डिपार्टमेंट है, सबको जगह जगह के ऊपर डिप्लॉय करने के आदेश दिए हैं। और हमारे जो मेरा गृह क्षेत्र है रामपुर बुशहर, वहाँ पर भी बहुत नुकसान हुआ है। बागासरान का इलाका है आनी में, वहाँ पर भी बहुत नुकसान हुआ है। और मणिकरण घाटी कुल्लू में, वहाँ पर भी जो डैम है उसमें जो है उसको डैमेज होने की खबरें आ रही हैं, तो उसका निरीक्षण करना हमारा दायित्व बनता है, जिम्मेवारी बनती है, और सारे लोग वहाँ से सेफली इवैक्यूएट हो, ये भी हमारी जिम्मेवारी है। इसलिए हम मेरा जो यहाँ का कार्यक्रम था उसको थोड़ा सा छोड़कर मुझे वहाँ पे लोगों के बीच में जाने की आवश्यकता है बतौर लोक निर्माण मंत्री, क्योंकि सबसे ज़्यादा डैमेज हमारी सड़कों का होता है, पुलों का होता है, इसलिए उसमें पूरे तरीके से सरकार और प्रशासन जमकर लोगों की सेवा भी करे और उनको इस मुश्किल समय में उनको एक सहारा बने, ये हमारा प्रयास भी है और इस दृष्टि से हम आगे भी बढ़ेंगे। उधर आपको बता दें कि मंडी जिले में भारी बारिश से तबाही मच गई है और वहीं भारी बारिश होने से देवरी गांव के नाले में बाढ़ आ गई और इस हादसे में दो भाइयों का 3 मंजिला मकान जमींदोज हो गया। दोनों भाइयों को हादसे में करीब 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। साथ ही ग्रामीणों ने सरकार से प्रभावितों को मुआवजा अदा करने की मांग उठाई है। तो आपको बता दें कि देवरी गांव में 3 मंजिला मकान जो है वो ढह गया और जिस तरीके से बादल जो है वो बरस रहे हैं, आफत की बरसात हो रही है, उसके बाद आप देखिए पहाड़ों से जो मलबा है वो नीचे की ओर आ रहा है और जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर ये मलबा इकट्ठा हो रहा है। और तस्वीरें आपको दिखा सकते हैं, लोगों की मांग यही है कि जो प्रभावित हैं उन्हें आर्थिक मदद की जाए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं। आया के कड़ा है यार, आ गया घर बैठे, इब्लो टेंशन, सीधा खाते में पेंशन, नॉन स्टॉप फिर तो दौड़ेंगे ना अपने बूढ़े घुटने भी नॉन स्टॉप। हरियाणा सरकार ने अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 1000 से बढ़ाकर ₹3000 कर दी है, तभी तो बढ़ता जा रहा है। मारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। स्वागत है खबरों में, आगे बढ़ेंगे। कांगड़ा में लगातार मूसलाधार बारिश का दौर जारी है और इसी कड़ी में धर्मशाला के साथ लगते चंबे में दरअसल भूस्खलन होने के कारण 3 दुकानों को नुकसान पहुंचा है। गनीमत यह रही कि इस भूस्खलन में किसी भी व्यक्ति की जान की नहीं गई है और पठानकोट मंडी NH पर 4 लेन का कार्य भी चल रहा हुआ है और NH पर काम कर रही मशीनरी ने ही इस भूस्खलन को सड़क से हटाया है। और साथ ही आपको बता दें यातायात के लिए सड़क को सुचारू रूप से शुरू कर दिया गया है। इस भूस्खलन में 3 दुकानों को काफी नुकसान पहुंचा। लोगों के दुकानों तक में मलबा जो है वो घुस गया। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, हालांकि मौके पर मौजूद जो मशीनरीज हैं उनसे इस मलबे को हटाया जा रहा है।
उधर हिमाचल प्रदेश में बीते 24 घंटों में बादल फटने और भारी बारिश से तबाही मच गई है। इसी को लेकर बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कुल्लू जिले के बागी पुल और साथ ही शिमला जिले के समेच के आसपास के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने बताया कि रात एवं लापता लोगों के खोज के कार्यों को युद्ध स्तर पर शुरू किया गया है, साथ ही नुकसान का भी आकलन किया जा रहा है। पंचायत के स्पेस गांव में है, तो यहाँ पर जो है हमारे NDRF, SDRF, हमारे CISF, आर्मी, ITBP, पुलिस और जिला प्रशासन के हमारे चाहे SDM है, SP, DC जो है सारे पहुँचे, और यहाँ तक कि हमारे स्थानीय जो विधायक हैं हमारे नंदलाल जी और दूसरे लोग जो है पहुँच कर वहाँ राहत कार्यों को शुरू किया गया। और इसी तरह से जो हमारे अन्य स्थान है जैसे बागी पुल का एरिया है, वहाँ भी जो है राहत के काम शुरू किए गए हैं। कई जगह पे पानी रिस्टोर किया है, बिजली रिस्टोर किया है, और वहाँ भी जो है झूले लगाने की ज़रूरत है या बेली ब्रिजेस लगाने हैं, इन सब का प्लानिंग करके तुरंत जो है युद्ध स्तर पर काम करने के लिए जो है शुरुआत की गई है। और वही मतलब जो है मंडी के इलाके में और वहाँ भी जो है NDRF की टीम पहुँच गई थी और लोगों को तुरंत राहत दिया गया है, और कुल्लू में भी यही हाल है। तो सब जगह पर जो है तेज़ी के साथ जो है राहत के कार्य शुरू किए गए हैं, और युद्ध स्तर पर जो है चाहे सड़क को बहाल करना है, चाहे पुल लगाने हैं, इन सब पे जो है काम किया जा रहा है। तो बारिश का मंजर ऐसा कि हर ओर तबाही ही तबाही देखने को मिल रही है। वक्त छोड़ से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।